गुरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं के लिए रात में किए जाने वाले कुछ कार्यों को वर्जित किया गया है। यह नियम और निर्देश न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में भी महिलाओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए इनका पालन करना आवश्यक माना जाता है। इन नियमों को समझने और उनका पालन करने से महिलाएं अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकती हैं। गुरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को रात्रि में अनावश्यक रूप से यात्रा नहीं करनी चाहिए। रात का समय अंधकार और अनिश्चितताओं से भरा होता है, जिससे दुर्घटनाओं और अन्य असुरक्षित स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही रात के समय यात्रा करना महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है, इसीलिए रात में बिना किसी आवश्यक कारण के बाहर जाना उचित नहीं माना जाता। गुरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को रात्रि में श्मशान की यात्रा नहीं करनी चाहिए। श्मशान को एक पवित्र और रहस्यमय स्थान माना जाता है, जहां रात के समय जाने से नकारात्मक ऊर्जा और अदृश्य शक्तियों का प्रभाव हो सकता है, इसलिए श्मशान की यात्रा करने से बचना चाहिए, विशेष रूप से रात के समय। रात का समय विश्राम और शांति का समय होता है। गुरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को इस समय में झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहिए। यह न केवल उनकी मानसिक शांति को भंग करता है, बल्कि घर के वातावरण को भी नकारात्मकता से भर सकता है। रात्रि में किसी भी प्रकार का तनावपूर्ण संवाद करने से बचना चाहिए, ताकि शांति और सौहार्द बना रहे। गुरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को रात्रि में सोते समय अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है और इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है। बालों को बांधकर सोने से एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और महिलाओं को बुरे सपनों और अन्य मानसिक तनाव से बचाव मिलता है। गुरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को रात्रि में उपवास नहीं रखना चाहिए। उपवास रखने के लिए दिन का समय अधिक उपयुक्त माना गया है। रात के समय शरीर को विश्राम और पोषण की आवश्यकता होती है, और उपवास रखने से शरीर में कमजोरी आ सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गुरुड़ पुराण में कहा गया है कि महिलाओं को रात्रि में भारी कार्य नहीं करना चाहिए। यह समय आराम और शांति का होता है, और इस समय में अधिक मेहनत करना शरीर और मन के लिए हानिकारक हो सकता है। भारी कार्य करने से थकान बढ़ सकती है, जो अगले दिन के कार्यों को प्रभावित कर सकती है। रात्रि का समय मन और शरीर के लिए विश्राम का समय होता है। गुरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को इस समय में अनावश्यक चिंतन और विचारों में खोने से बचना चाहिए। इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जो नींद में बाधा उत्पन्न कर सकता है और शरीर को आवश्यक आराम नहीं मिल पाता है। हालांकि दिन के समय पूजा पाठ को अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन गुरुड़ पुराण के अनुसार रात में विशेष रूप से 12 बजे के बाद पूजा करना वर्जित है। इसे रात की नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव माना जाता है, जो पूजा पाठ के प्रभाव को कम कर सकता है। रात का समय मानसिक शांति का समय होता है। गुरुड़ पुराण में कहा गया है कि महिलाओं को रात्रि में क्रोध करने से बचना चाहिए। यह न केवल मानसिक शांति को भंग करता है, बल्कि शरीर में भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। क्रोध के कारण नींद प्रभावित हो सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों से संपर्क नहीं करना चाहिए। इससे उनकी सुरक्षा और सम्मान पर संकट आ सकता है। रात के समय अज्ञात व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क करने से बचना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। गुरुड़ पुराण में महिलाओं के लिए रात्रि में किए जाने वाले कार्यों के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं, वे उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन नियमों का पालन करने से महिलाओं को न केवल सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त होगा, बल्कि वे अपने जीवन में संतुलन और शांति भी बनाए रख सकेंगी।